ठाकुर ने भी चुनाव में जीत दर्ज कर ली और कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है और भारत 24 पर सुपर सर्वोत्तम कवरेज आप देख रहे हैं, सबसे बढ़िया एनालिसिस आप लगातार देख रहे हैं, सुपर सर्वोत्तम एनालिसिस, सुपर सर्वोत्तम कवरेज लगातार भारत 24 पर जारी है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, कोटा की बात अभी की, ओम बिरला जीत चुके हैं। हालांकि शुरुआती रुझान में यहां पर बड़ी टफ फाइट से नजर आ रही थी, लेकिन फाइनली ओम बिरला चुनाव जीत चुके हैं, कोटा से ओम बिरला चुनाव जीत चुके हैं। आप कुछ कह रहे हैं सर्वेश जी? कह रहा था जैसे शैलेंद्र जी ने बोला कि यूपीए 1 यूपीए 2 जो था उसमें अगर कांग्रेस का देखें तो यूपीए 1 में 145 सीटें थी और यूपीए 2 में 206 सीटें थी। यहां तो कांग्रेस सैकड़ा भी नहीं लेके आ रही है, तो हम कैसे मान ले कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद दे दिया जाएगा इस सरकार में? जल्दी से, और एक सवाल जो आपसे पूछा गया था शैलेंद्र जी ने, जो आपसे पूछा कि जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं, आप बात करें अगर झारखंड की, अगर आप बात करें यहां दिल्ली की, तो यहां पर तो नुकसान है। देखिए आप शाम तक इंतजार कीजिएगा, आपको बहुत सारे चौंकाने वाले नतीजे दिखेंगे आपको। और अगर आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है तो ये आपका मुगालता है, ये आपकी गलतफहमी है। कांग्रेस यूपीए 1 से आगे बढ़ रही है और मतलब 100 को उपलब्धि मान रहे हैं आपकी, 100 क्रॉस कर जाएगी तो उपलब्धि होगी आपकी यूपीए 1 से आगे, यानी 150 पार कर रही है। आपने महामानव बना दिया था वो, उसको जनता ने पुनः मूसी को भव्य बना दिया है, वापस से जनता के दरबार, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जनता के दरबार में कोई भी नहीं होता, जनता ही महानायक बनाती है और जनता ही सामान्य व्यक्ति बनाती है। अब मोदी जी को एक सामान्य जन बना दिया है जनता ने, ये आज शाम को 6 बजे तय हो जाएगा। 2019-2024 का हम कंपैरिजन भी दिखा रहे हैं बिहार में किस तरह से स्थितियां बदली और जेडीयू एक बार फिर से बेहतर साबित हुई है एनडीए के लिए भी और बीजेपी ने भी इस बार अच्छा आंकड़ा दिया है, लेकिन संदेश क्या है ये भी समझिए। बीजेपी को जेडीयू का वो ट्रांसफर क्या नहीं हुआ इस सवालों में भी है। दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दों का विपक्ष ने फायदा उठाया और लगातार 2015 के विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया था पूजा। और देखिए बड़ी बात ये है कि कर्नाटक को लेकर जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक को घेरा गया, कांग्रेस को घेरा गया खासतौर पर, और एक ये जो बात निकल कर सामने आई थी कि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके अपने वोट बैंक में, माफ कीजिएगा, उनके अपने आरक्षण में सेंधमारी की जा रही है, अल्पसंख्यकों को वहां पर घुसाया जा रहा है, इस तरह के तमाम जो आरोप लग रहे थे, एक बड़ा सवाल ये भी है कि उस सब का क्या असर हुआ। सिंह साहब लगातार बने हमारे साथ में, सवाल यही है, बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को भुनाया, आरक्षण की बात हुई, मंगलसूत्र की बात हुई और न जाने कितने मुद्दों की बात हुई, लेकिन नजर आया कि ये सब मुद्दे पीछे छूट गए। वाकई क्या इस बार मुद्दों पर जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अग्निवीर योजना हो, क्या इस आधार पर वोट पड़े और इसी का नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ा? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल था आपका और मैं कहता हूं कि आप देखिएगा चुनाव जब शुरू होता है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी समग्र पूरे भारत में के समग्र गांव में मोदी जी की गारंटी रथ भेजती है और बताने का कार्य करती है कि मोदी जी ने क्या क्या कार्य किया और मोदी जी की सरकार ने क्या क्या काम किया है, गरीबों के आवास को किस तरह से झोपड़ी से वो उसको आवास देने का कार्य किया है, बिजली देने का कार्य किया है, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया। सही बात, चुनाव के दौरान की तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के साथ चुनाव में जाती है। जब विपक्ष के द्वारा ये बात कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री के द्वारा कि अपने हाथ में डंडे रखिए और जहां प्रधानमंत्री जी मिले उनका सर फोड़ दीजिए, जब विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि वोट जिहाद चलाइए, तो काउंटर अटैक के रूप में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उस पर काउंटर अटैक किया जाता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आयोग को और बिहार के चुनाव विभाग को कि काउंटिंग की प्रोसेस बिहार में स्लो है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार सभी सीटों पर संपर्क में हैं, बहुत लो मार्जिन है, 3-3.5 लाख वोट की गिनती हुई है ऑन एन एवरेज, औसतन हर लोकसभा में, जबकि 10.5 से 11 लाख वोट की गिनती हर लोकसभा में होनी है। तो आप अंदाज कीजिए कि 30% से भी कम वोट काउंट हुआ है। अभी जो बिहार का आंकड़ा है वो बदलेगा, देश का आंकड़ा पलट चुका है, 400 पार की बात करने वाले 220-230 सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नतीजे की पूरी समीक्षा होगी, लेकिन मोदी जी का विदाई तय हो गया।
मोदी जी प्राइम। तो ये दावा, ये बयान आप सुन रहे हैं और अपनी तरफ से दावों और वादों के बाद यही लगातार जिक्र देखा जा रहा है। एक आरोप लगाया मनोज झा ने कि काउंटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो चल रहा है बिहार में, 3-4.5 लाख वोट ही एवरेज काउंट किए गए हैं, जबकि 11 लाख अब तक वोट काउंट होने चाहिए थे, ये उनका दावा है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी लगातार महाकवरेज जारी है। वापस एक बार अरुण साहब जी आपके पास आते हुए, क्योंकि इससे पहले आप छत्तीसगढ़ का तो जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन साथी मेरी साथी अदिति ने साथ में राजस्थान का भी जिक्र किया। आज चर्चा आपके 298 पर अभी लीड लेने के साथ इन सीट्स पर तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ चर्चा इस बात पे भी, कई राज्य जहां पर आपने पिछले 2 बार में क्लीन स्वीप किया वहां पर इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें खुद एक राजस्थान भी शामिल है, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक साथ आपकी सरकार बनी थी। ऐसे में राजस्थान में इस डैमेज को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी, लेकिन जो आपने कहा उस पर निमी रस्तोगी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निमी रस्तोगी जी, क्या टेक आपका अभी के नंबर्स पर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? देखिए अभी आपने कहा कि 45% शेयर एनडीए का है और 41% अलायंस। जी प्लीज कंटिन्यू। तो द एसेंस ऑफ दिस जनादेश, ये जनादेश का जो सत्व है वो यही है कि ऑपोजिशन, कोई भी डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब उसको एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिले। तो जिस ऑपोजिशन को पूरी तरह से रौंदते हुए, अपने पावर में होने की एडवांटेज देते हुए एनडीए सरकार आगे बढ़ रही थी और ऊंचे ऊंचे सपने देख रही थी, उसके लिए ये हार है, उसके लिए ये एक तरह का चलिए अगर आपकी बात मान भी लें, आपका फ्रीज हो रहा है फ्रेम, हो सकता है ऑडियो पर आप सुन रही हो। एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम मान भी लें कि जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि एक बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन है, लेकिन अब चुनाव हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर आ जाएंगे? इतना जन समर्थन है, 41% वोट शेयर है इंडिया अलायंस को। देखिए आप खुद ही मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विल होगी कि अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे। मैं आप ही की पार्टी के वक्तव्य को कोट करके पूछूं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। आरोप ही नहीं है निमी जी, आप खुद ही कह रहे हैं आरोप ही नहीं है, ये आरोप नहीं है निमी जी, आरोप ही नहीं है, मतलब आपने गजब बात कर दी कि आरोप ही नहीं है, साबित नहीं है। ऐसे तो मैं हो गया था, भले ही गलती से हो गया हो, इस आरोप में ही अंदर पूर्णिमा जी देखिए, इन्होंने अभी बात रखी कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, अरविंद केजरीवाल तो 9 संबंध को इन्होंने ठुकराया, क्यों उन्होंने करेक्ट कर दिया वो साबित।